बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दिस लेक्चर इज़ अबाउट सम नेचुरल डिज़ास्टर्स। ये खास तौर पे लेक्चर अर्थ के एक और उससे रेलिवेंट कुछ और डिज़ास्टर्स जो हैं उनके हवाले से है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है विद रिस्पेक्ट टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, इसमें जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि अर्थ के क्या होता है, फॉल्ट क्या है, हाइपो सेंटर क्या है, एपी सेंटर क्या है, अर्थक्वेक में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं, अर्थक्वेक की मेजरमेंट कैसे करते हैं, और अर्थक्वेक किस वजह से होता है और अर्थक्वेक की वजह से क्या डैमेज हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थक्वेक क्या है? देखिए, अर्थक्वेक उस वक्त आता है जब अर्थ के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें जो दो ब्लॉक्स हैं वो स्लिप करते हैं। जब वो स्लिप करते हैं तो उसके नीचे कुछ एनर्जी होती है जो ट्रैप हुई हुई होती है। उस ट्रैप एनर्जी जो है ना वो रिलीज होती है, और वो जब एनर्जी रिलीज होगी तो वेव्स की फॉर्म में मूव करेगी। इन वेव्स को हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। तो इस जब ये एनर्जी ट्रेवल करती हुई ऊपर आती है तो डेफिनेटली अर्थ को जो है वो एक झटका फील होता है, जॉल्ट फील होता है, उसको आप अर्थक्वेक कहते हैं। अच्छा, अर्थक्वेक के हवाले से कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि फॉल्ट क्या है, हाइपोसेंटर क्या है और एपिसेंटर क्या है। देखिए, वो सरफेस जहाँ पे ये दोनों प्लेट्स जो हैं या दो ब्लॉक्स होते हैं जहाँ से वो स्लिप होते हैं उस जगह को फॉल्ट कहते हैं, और वो सरफेस जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट होता है ज़मीन के नीचे उसको हाइपोसेंटर कहते हैं। और उस हाइपोसेंटर के एग्जैक्टली ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर जो प्लेस होती है उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। जैसे कि डायग्राम से ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये फॉल्ट लाइन है जहाँ पे ये दो ब्लॉक्स जो हैं वो स्लिप होंगे, और ये वो पॉइंट है जहाँ से ये अर्थक्वेक जनरेट हुआ है वेव्स की फॉर्म में, तो इसको हम हाइपोसेंटर कहेंगे। और बिल्कुल हाइपोसेंटर के अबव जो पॉइंट है अर्थ के ऊपर, ये वाला रेड वाला, दिस इज कॉल्ड एपिसेंटर। सो वी मस्ट नोट दिस के फोकस और हाइपोसेंटर इज द सेम थिंग। फॉल्ट इज एन एरिया वेयर द टू प्लेट्स स्लिप अपार्ट, एंड एपी सेंटर इज द एरिया राइटली अबव दी हाइपो सेंटर। अच्छा, अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक्स की वेव्स की। ये जो सिस्मिक वेव्स हैं इनकी कितनी टाइप्स होती हैं? तो बच्चों, सिस्मिक वेव्स की तीन टाइप्स होती हैं। एक को हम पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स कहते हैं, एक को एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, और तीसरी तरह की जो वेव्स होती हैं उनको हम सरफेस वेव्स कहते हैं। देखिए, ये जो प्राइमरी वेव्स होती हैं ना, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल मूव करती हैं। देखिए, इनमें जो पार्टिकल्स की ये जब वेव प्रोड्यूस होंगी तो इनके रास्ते में जब रॉक्स आएंगी या कोई भी पार्टिकल्स आएंगे तो ये हॉरिजॉन्टली उन पार्टिकल्स में से या रॉक्स में से गुजरेंगी। और कुछ होती हैं एस वेव्स, जो इनको सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है, ये हमेशा वर्टिकल मूव करती है। ये डायरेक्शन भी आपको नजर आ रही है, वर्टिकल अलॉन्ग वाई एक्सिस। सो पी वेव्स ऑलवेज मूव्ड थ्रू एक्स एक्सिस, वेल सेकेंडरी वेव्स ऑलवेज मूव थ्रू वाई एक्सिस। अब हम प्राइमरी वेव्स की डिटेल पढ़ेंगे। देखें, प्राइमरी वेव्स बहुत फास्टर होती हैं, इवन स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा इनकी स्पीड होती है, और ये वेव्स जो होती हैं रॉक्स को जो इनके रास्ते में आएंगी उनको ये कंप्रेस भी करेंगी और डायलेट भी करेंगी, और ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करेंगी। इन वेव्स की ये खसूसियत है कि ये वेव्स इनके रास्ते में अगर सॉलिड मटीरियल आए, लिक्विड आए या गैशियस मटेरियल आए, ये हर तरह के मटेरियल के अंदर से गुजर सकती हैं। अब ये देखिए, ये डायग्राम आप गौर से देखें, बल्कि प्रेजेंटेशन है जिसमें ये पी वेव्स जनरेट हुई हैं और ये अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही हैं, ठीक है। और ये क्या कर रही हैं, रॉक्स को कंप्रेस कर रही हैं और डायलेट भी कर रही हैं। तो इस तरह की जो वेव्स होती हैं उनको हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं। इनमें पार्टिकल्स की जो मोशन हो रही होती है रॉक्स की, वो डेफिनेटली अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपको नजर आ रही होगी, और इसमें आप ये देख रहे होंगे कि जो रॉक्स हैं वो उनको ये वेव्स जो हैं या तो कंप्रेस भी कर रही हैं और साथ में डायलेट भी कर रही हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट एस वेव्स। देखें, ये वेव्स जो हैं ये स्लोअर देन पी वेव्स हैं, ये हमेशा सॉलिड रॉक्स में से ट्रेवल कर सकती हैं, और इनकी जो प्रोपिगेशन की डायरेक्शन है वो अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। और इसमें आप अगर गौर से देखें तो ये रॉक्स के जो साइड वेज हैं उनको ज्यादा ये मुतासर करती हैं, ठीक है ना। साइड वेज के थ्रू ट्रैवल कर रही हैं, अलोंग वाई एक्सिस ये ट्रैवल कर रही हैं, तो ये पी वेव्स के फौरी बाद एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं, और इनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो अलोंग वाई एक्सिस है।
देन सरफेस वेव्स, ये तीसरी तरह की वेव्स हैं और ये रिस्ट्रिक्टेड है ग्राउंड सर्फिस तक। ये सर्फिस वेव्स को फर्दर हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, लव वेव्स एंड रेलिग वेव्स। लव वेव्स जो होती हैं ना वो वर्टिकली मूव नहीं करती, उनकी मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होती है और ये आपके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बिल्डिंग उनकी फाउंडेशन को डैमेज करती है। ये अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल ऐसे मूव कर रही हैं जैसे एक स्नेक मूव करता है, ठीक है ना, लाइक दिस लाइक दिस। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस इनकी मूवमेंट है, ये मतलब ये हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रही हैं, ये सॉरी वर्टिकली मूव नहीं कर रही हैं, ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रही हैं। और ये जो आपकी बिल्डिंग्स की फाउंडेशन होंगी उनको ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगी, इनको लव वेव्स कहा जाता है। इसके बाद है रेलिग वेव्स। रेलिग वेव्स वो वेव्स हैं जो ओशंस में बनती हैं। ये वेव्स वर्टिकली भी मूव करती हैं और हॉरिजॉन्टली भी। आप ये कह सकते हैं कि ये रॉक्स के पार्टिकल्स को या जो सरफेस है उसके पार्टिकल्स को, नीचे जो प्लेट्स होती हैं उनके पार्टिकल्स को रोटेट करवाती हैं। तो इसमें जो पार्टिकल की मोशन है वो रोटेशनल मोशन है, और रेलिग वेव्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल भी मूव करती हैं और वर्टिकल भी मूव करती हैं। लेकिन ये यूजुअली वाटर के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, ओशंस के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, और इनकी वजह से सुनामी आता है। सुनामी इज बेसिकली द अर्थक्वेक इन वाटर बॉडीज और ओशंस। अब अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं, दैट्स वेरी सिंपल। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्केल है जिसको रिचर स्केल कहते हैं। जिस ब्रांच में अर्थक्वेक को हम स्टडी करते हैं उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है उसको सिस्मोमीटर कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो अर्थक्वेक है इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो 0 से 8+ तक हो सकती है। बहरहाल 6 to 7+ वाला जो अर्थक्वेक होता है दैट्स वेरी मच डेंजरस। अच्छा, अब अर्थक्वेक क्यों आता है? अर्थक्वेक की अक्रेंस की बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिसमें इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है, वोल्केनिक एक्टिविटी थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिज्म है और लॉस ऑफ आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस थ्योरी है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है। टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो अर्थ के नीचे 7 फ्लोटिंग प्लेट्स हैं जिनके नीचे मैग्मा ट्रैप हुआ हुआ है। ये कुछ ऐसी जगह होती हैं जिनको फॉल्ट लाइंस कहते हैं, वहाँ उन प्लेट्स के नीचे से जो मैग्मा के अंदर एनर्जी ट्रैप होती है वो एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स। वो वेव्स जब ऊपर सरफेस पे आती हैं तो डेफिनेटली वो अर्थक्वेक कॉज करती हैं। तो ये टेक्टोनिज्म यही है कि टेक्टोनिक प्लेट्स की फ्लोटिंग की वजह से, मूवमेंट की वजह से, फॉल्ट लाइंस की वजह से जो ट्रैप्ड एनर्जी है वो रिलीज होती है और उसकी रिलीज होने की वजह से अर्थक्वेक की अक्रेंस होती है। अतः अर्थक्वेक किस तरह का डैमेज कॉज कर सकता है? देखिए, अर्थक्वेक से काफ़ी डैमेज होता है। ग्राउंड शेकिंग है, ग्राउंड रप्चर है, आग लग सकती है किसी जगह पे, मैस वेस्टिंग हो सकती है, बिल्डिंग्स तबाह हो सकती हैं, अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइडिंग हो सकती है और एवलॉन्चीज बन सकते हैं। एवलॉन्चीज का मतलब होता है स्नो का फ्लड। सुनामीज आ सकते हैं ओशंस में, ह्यूमंस के ऊपर ये इम्पैक्ट कर सकती हैं, डिजास्टर्स इफेक्ट कॉज कर सकती हैं और ये लिक्विफिकेशन भी कॉज कर सकती हैं, रॉक्स को मेल्ट कर भी इवन कर सकती हैं अर्थक्वेक्स जो हैं। ये पाकिस्तान में बड़े बड़े अर्थक्वेक्स जो आए हैं उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। नेपाल, सॉरी, दुनिया में जो बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आए हैं, नेपाल में 2015 में आया, पाकिस्तान में आपको पता है 2005 में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसमें तकरीबन 80,000 लोगों की डेथ्स हुई थी और इसका जो मैग्नीट्यूड था वो 7.6 था रिक्टर स्केल के ऊपर। तो इस तरह से बड़े बड़े ये अर्थक्वेक्स हैं। सबसे बड़ा दुनिया में जो अर्थक्वेक आया था वो चाइना में आया था 1556 में, जिसकी जो मैग्नीट्यूड थी वो 10+ थी, मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल के ऊपर 10+ थी। तो दिस इज ऑल अबाउट अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक के हवाले से हमने बात की है। जी, नेक्स्ट मैं कुछ वेदर के हवाले से आपको बताऊंगा। बेसिकली वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं। वेदर जो है एक स्टेट है एटमॉस्फेयर की किसी भी गिवन टाइम और गिवन प्लेस में। ये ध्यान में रखिए कि वेदर आपकी डेली लाइफ के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, जैसे ह्यूमंस की एक्टिविटीज हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, इकोसिस्टम्स हैं, उन पर ये असरअंदाज हो सकता है। तो वेदर में जो एलिमेंट्स ऑफ वेदर हैं उसमें टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड्स और विंड वगैरह शामिल हैं। अगर सवेयर वेदर कंडीशंस डेवलप होना शुरू हो जाएं तो उसका मतलब होता है हुरिकेन्स, टॉर्नेडोज, ब्लिजर्ड्स और ड्राउट्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो मैंने इसकी चीज़ ध्यान में रखी है कि अगर किसी भी स्पेसिफिक रीजन का जो वेदर है उसको अगर लॉन्ग टर्म तक हम स्टडी करें तो उसमें जो लॉन्ग टर्म एवरेज कंडीशंस होती हैं ना वेदर की, उसको क्लाइमेट कहा जाता है।
क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए कम से कम 30 ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो वेदर तो डेफिनेटली विद इन मिनट्स और विद इन आवर्स चेंज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट जो है वो उसको चेंज होने के लिए डेकेड्स और इवन सेंचुरीज रिक्वायर्ड होती हैं। क्लाइमेट को अगर आप डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब होगा कि एवरेज कंडीशंस, वेदर कंडीशंस ऑफ एटलीस्ट 30 ईयर्स। अच्छा, क्लाइमेट चेंज क्या चीज है? क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि किसी भी वेदर इवेंट की फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड में वाजिया तब्दीली आना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ये तब्दीली, ये चेंज लॉन्ग टर्म चेंज हो तो दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। जैसे हीट वेव्स हैं, कोल्ड स्पेल्स हैं, स्टॉर्म्स हैं, फ्लड्स हैं, ड्राउट्स हैं, ये ऐसे वेदर इवेंट्स हैं जिनकी इंटेंसिटी में अगर तब्दीली आ रही है तो इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब आप देखिए कि वेदर के कौन से एलिमेंट्स हैं, क्लाइमेट के सॉरी कौन से एलिमेंट्स हैं, तो उसमें सोलर रेडिएशंस हैं, एयर मैसेज हैं, किसी जगह पे जो एयर का प्रेशर है वहाँ पे कितनी ओशन करंट्स बनती हैं, वहाँ की टोपोग्राफी क्या है, लेटिट्यूड का या डिस्टेंस कितना है इक्वेटर से उस जगह का, या उस जगह की हाइट कितनी है सी लेवल से, या समंदर से वो जगह कितनी दूर है। जब हम किसी जगह की क्लाइमेट की प्रिडिक्शन करते हैं या क्लाइमेट की डिटर्मिनेशन करते हैं तो इन सारे फैक्टर्स को हम जहन में रखते हैं, इसलिए इनको एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है। अब देखें, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, लैंड यूज चेंज है, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, और सन की जो रेडिएशंस हम तक पहुंच रही हैं उनमें जो तब्दीली आ रही है, ये सब चीज़ें फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट चेंज ला रही हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो लॉन्ग टर्म चेंज आती है क्लाइमेट चेंज, उससे क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे कि सी लेवल बढ़ेगा, परमा फ्रॉस्ट थाइंग होगी यानी मेल्ट करेगी आइस, तो ये जो पैक्स हैं आइस के वो दूर दूर जाएंगे, उसको परमा फ्रॉस्ट थाइंग कहते हैं। हीट वेव्स बढ़ेंगी, बहुत सारी जगहों पे बारिश ज्यादा होगी, कहीं पे बारिश नहीं होगी, ये वाटर रिसोर्सेज में प्रॉब्लम आएंगी। अब हम दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या इफेक्ट कॉज कर रही है। खास तौर पे नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में देखें तो वहाँ पे जो स्नो पैक्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं और हीट वेव्स की इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है। लैटिन अमेरिका के अंदर देखें तो बायोडाइवर्सिटी की लॉस बढ़ता जा रहा है और वाटर अवेलेबिलिटी में कमी आ रही है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर फ्लैश फ्लड्स बढ़ते जा रहे हैं, इरोजन बढ़ती जा रही है, सी लेवल राइज हो रहा है, ग्लेशियर जो है वो रिट्रीट कर रहे हैं, मतलब साइज में छोटे हो रहे हैं, और क्रॉप्स की प्रोडक्शन में कमी आ रही है। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ये देखें तो 2020 तक यहाँ पे मैक्सिमम वाटर स्ट्रेस हो चुका है और क्रॉप प्रोडक्शन टिल 2020 50% तक कम हो चुकी है। एशिया के बारे में ये कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है वो 2050 तक बिल्कुल कम हो जाएगी, और कोस्टल एरियाज जो हैं वो हाईएस्ट रिस्क पे होंगे, वहाँ फ्लड्स आएंगे, और इसके अलावा ड्रॉट्स और फ्लड्स की वजह से डेथ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये दुनिया के बड़े मेजर एरियाज हैं जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के ये इम्पैक्ट जो हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, अब ये है जो प्रॉब्लम्स आती हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, डेफिनेटली इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, लैंड का इनफर्टाइल होना है, और नेचुरल डिजास्टर्स का बढ़ना है। अच्छा, नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं? नेचुरल डिजास्टर्स ऐसे डिजास्टर्स इवेंट्स हैं जो नेचर की तरफ से आते हैं, ठीक है जी, लेकिन उनकी इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड को हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बढ़ा सकते हैं और हम बढ़ा चुके हैं, ठीक है जी। क्लाइमेट चेंज की वजह से उनका पोटेंशियल थ्रेट जो है वो बढ़ चुका है और ये डिजास्टर्स जो हैं वो अब सीवियर कंडीशंस जो हैं वो में तब्दील हो चुके हैं, जैसे अर्थक्वेक्स हैं, वोल्केनिक इरप्शंस हैं, ड्रॉट्स हैं, फ्लड्स हैं, हुरिकेन्स, टॉर्नेडोज हैं, साइक्लोन्स हैं। अब इनके बारे में कुछ के बारे में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, तीन तरह के हैजर्ड्स होते हैं, कुछ क्लाइमेटिक हैजर्ड्स हैं, कुछ जियोमॉर्फिक हैजर्ड्स हैं, और कुछ बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं। क्लाइमेट हैजर्ड्स के अंदर ड्रॉट्स, फ्लड्स, हीट वेव्स, हुरिकेन्स, टॉर्नेडोज आते हैं। जियोमॉर्फिक मतलब जिनका ताल्लुक प्योरली अर्थ के स्ट्रक्चर के साथ है, उनमें अर्थक्वेक्स हैं, वोल्केनोज हैं, वोल्केनिक इरप्शंस हैं, सुनामीज हैं, लैंडस्लाइडिंग है, और बायोलॉजिकल के अंदर हैजर्ड्स में प्लांट्स से रिलेटेड डिजीजेस हैं। तो ये हैजर्ड्स को हमने तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। हैजर्ड्स की जब मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर हम उसको डिजास्टर कहते हैं। अच्छा, साइक्लोन क्या चीज होती है? देखिए, साइक्लोन एक स्टॉर्म है
या विंड्स का एक सिस्टम है जो रोटेट करता है अराउंड द सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जहां पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसके सराउंडिंग में अर्थ यानी एयर का एक स्ट्रॉम बन जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा विंड्स का जो रोटेट करना शुरू हो जाएगी, उसको हम साइक्लोन कहते हैं। बच्चों साइक्लोन बेसिकली रेन का, क्लाउड का और बैड वेदर का एक इंडिकेटर होता है, यानी साइक्लोन ये चीज इंडिकेट कर रहे होते हैं कि इसके साथ रेन, क्लाउड्स और वेदर कंडीशंस खराब हो सकती हैं। एक फिनोमेना होता है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन इनफैक्ट एक ऐसा सिस्टम है विंड्स का जो रोटेट करता है अराउंड द सेंटर ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी अगर विंड जो है वो अराउंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रोटेट करे तो साइक्लोन है, और अगर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सराउंडिंग में रोटेट करे तो उसको हम एंटी साइक्लोन कहते हैं। ठीक है जी, एंटी साइक्लोन जो है वो बेसिकली फेयर वेदर कंडीशंस को इंडिकेट कर रहे होते हैं, उसके प्रिडिक्टर होते हैं। अब ये देखिए ये है बेसिकली लो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर, और इसमें जो अर्थ की रोटेशन ऑफ द अर्थ है, विंड है, इसमें डाइवर्जेंस होगी, और अगर हाई के थ्रू ये मूव कर रहा है तो यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रही है, तो यहाँ डाइवर्जेंस हो रही है, ऊपर कन्वर्जेंस होगी एयर की और नीचे डाइवर्जेंस होगी। ठीक है, तो ये दो तरह की जो डायग्राम्स हैं वो दिखाई गई हैं जो इन एक्टिविटीज को शो करती है। यू कैन सी इट, इट्स ए साइक्लोन। नाउ हुरिकेन्स एंड टाइफून्स। देखिए जो बड़े साइक्लोन्स होते हैं ना उनको हम हुरिकेन्स कहते हैं। ठीक है जी, इनफैक्ट हुरिकेन्स जो है ना ये आफ्टर द रीजन्स, अपने जगह के हवाले से उनको हुरिकेन्स कहा जाता है। ठीक है जी, लेकिन हुरिकेन्स और टाइफून्स ये दो एक ही तरह के फिनोमेना है, लेकिन रीजन्स डिफरेंट होने की वजह से उनका उनको हमने नेम डिफरेंटली नेम दिया हुआ है। अच्छा, जो बिग हुरिकेन हिट हुआ था अर्थ पे 2005 में, उसका नाम है कैटरीना। ये देखें जी, ये इसकी डायग्राम दिखाई गई है। ये सब डेफिनेटली जो एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ही ये जनरेट हो रहे हैं। इसके बाद टॉर्नेडोज क्या होती हैं? ये एयर मैसेज हैं जो अपर रीजन ऑफ द अर्थ में बनती हैं, यानी एटमॉस्फेयर में बनेंगी, लेकिन ये नीचे की तरफ मूव करेंगी और जैसे ही ये अर्थ की सरफेस को टच करेंगी तो एक फनल शेप स्ट्रक्चर बनाएंगी, उनको टॉर्नेडोज कहा जाता है, यानी एक प्रेशर ट्यूब बन जाएगा लाइक दिस। ये ऊपर एयर का प्रेशर ज्यादा है और ये जब नीचे मूव करता है तो फिर एक फनल शेप प्रेशर ट्यूब बनती है, ये भी एक डिजास्ट्रस इवेंट है, उसको टॉर्नेडो कहा जाता है। अच्छा, अब ये है कि क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम रिसाइकलिंग करें, ठीक है, गार्बेज को यानी वेस्ट को जनरेट होने से बचाएं, उसको बर्न ना करें, वेजिटेशन करें, हम ट्रैश जो है यानी कूड़े को बाहर ना फेंकें, वेस्ट रिडक्शन करें, एरोसोल्स का इस्तेमाल कम करें, एक्सेसिव प्लांटेशन करें, ठीक है, वेजिटेबल्स को ग्रो करें हम अपनी बैकयार्ड में, ठीक है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, इलेक्ट्रिकल सप्लाईज कम यूज़ करें, हाइब्रिड कार्स यूज़ करें, शॉर्ट डिस्टेंस है तो हम वॉकिंग करें, ठीक है, केमिकल्स को कम इस्तेमाल करें और उनको बाहर ना थ्रो करें, प्रॉपर लेजिस्लेटिव एक्शंस लें, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाएं ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, यानी मेडिकेशंस और अडॉप्टेशंस करें, इन्वायरमेंटल एजुकेशन और अवेयरनेस लेकर आएं, और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के हवाले से हम एफर्ट्स करें। सो दिस इज ऑल अबाउट सम सॉर्ट ऑफ डिजास्टर्स एंड क्लाइमेट चेंज एंड देयर रेमिडीज़।